बात है भाई, बहुत जल्दी में हो, कहीं जा रहे हो? अरे सुबह से इंतजार कर रही, थक गया हूँ मैं। अरे भाई इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। किसका? अपनी शादी का। पोपटलाल, मैं शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। उनका ऑर्डर रेडी है 1000 बॉक्सेस का, सुबह 9:30 बजे लेने आने वाले थे, अभी तक नहीं है। सुबह से इतनी बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, नॉट रीचेबल ही आ रहा है। क्या बात करो फिर? अरे तो जाओ जल्दी उनके घर, पता करो कहाँ है वो। अरे वही तो जा रहा हूँ। पोपटलाल तुम कहाँ आए हो, तुम्हें क्या छोड़ना है? हाँ शर्मा जी के घर। अरे भाई मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मेरी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। चलो चलो जल्दी। चलो बाय। कैसे कोई मतलब ऐसे ऑर्डर लेने नहीं आए भाई? वही तो संभाल। ये शर्मा जी, शर्मा जी रुके भाई साहब, किससे मिलना है? तो शर्मा जी से मिलना। शर्मा जी तो बाहर गांव चले गए, ताला लगाया बंगलों पे। कहाँ चले गए? पता नहीं साहब। ए वापस कब आएंगे भाई? वो नहीं पता साहब। अरे ऐसे कैसे बाहर गांव चले गए? वो आज सुबह मेरे घर पे ऑर्डर देने आने वाले थे। वो मुझे नहीं पता साहब। अरे भाई उनका कोई फोन नंबर वगैरह है आपके पास? नहीं साहब होगा, पर मेरे पास नहीं है साहब। पर हम उनका कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? नहीं नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। ये पता नहीं को यहाँ छोड़ के शर्मा जी खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे भाई तुम्हें कुछ तो पता होगा उनके बारे में? नहीं पता साहब। क्या पता नहीं लगा रखा है आपको? पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है? शर्मा जी ने मुझे खुद ऑर्डर दिया था चॉकलेट के 1000 बॉक्सेस बनाने का। हम तुमने दिन रात मेहनत करके वो ऑर्डर पूरा किया। वो आज दिवाली के दिन ऑर्डर लेने आने वाले थे और तुम बोल रहे हो बाहर गांव चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए? इससे बहस करके कोई फायदा नहीं भाई, चलो चलो यहाँ से चलो। सॉरी हाँ भाई सॉरी, और थैंक यू। हैप्पी दिवाली सर। अरे दिवाली निकल गया, हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं आप? हाँ थैंक यू, हैप्पी दिवाली। ये थोड़ी शांति रख। अरे कैसे शांति रखूं पोपटलाल, दिवाली के पहले दिन इतना बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने माधवी को बोला था कि इतना बड़ा ऑर्डर हम लोग नहीं लेते, रिस्क है, लेकिन नहीं। शर्मा जी मिल जाए ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूं। मिल जाए तो ना, पर मुझे समझ भी नहीं आता वो अभी इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो सकता है। अरे उन्होंने खुद बोला था कि स्टाफ पे चॉकलेट्स बांटने, इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और बाहर गांव चले गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। टेंशन मत ले, कोई ना कोई हल निकलेगा। हल निकलेगा तो ठीक है, तो ये सबसे पहले मुझे माधवी को बताना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे भीड़ भीड़ है, सत्यराम को नहीं लेना? अरे हाँ ये टेंशन में याद ही नहीं रहा। एक काम कर, तू रहने दे सकारम को, यही रहने दे। अरे नहीं 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 भाई, मेरा मतलब है तू टेंशन में, तू आराम से बैठ, सकारम को मैं चलाता हूँ। ये ले छाता पकड़ दे। चिंता मत कर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भाई? अरे हेलो हेलो, ए आ गया भाई। मैं माधवी को जाके क्या बताऊंगा मैं? और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि जब सोनू को ये पता चलेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। अरे भाई टेंशन मत लो, जो सच है वो बता दो। सच बोलने से आधा टेंशन दूर हो जाता है, और वैसे भी कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। नहीं आएंगे वो। मतलब ठीक से बताइए ना। माधवी मैं उनके यहां गया। वो कहां गए हैं, कब आएंगे कुछ नहीं मालूम, और ये इतना बड़ा ऑर्डर बनके रेडी है, अगर ये नहीं बिका तो नुकसान तो पक्का। और मेरे गहने वो भी गिरवी रखे हैं। अरे हाँ वो कांदुली के मोतीलाल ज्वेलर से यही के पैसे उठाए थे, अगर आज उनको पैसे नहीं लौटाए ना तो गहने गए समझो। मेरे बोलिए सोनू सुन लेगी, मेरे बोलिए। नहीं 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 सोनू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। अभी सारे चॉकलेट्स का क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या लगता है शर्मा जी नहीं तो कोई और से, किसी और को तो चॉकलेट्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे मेरे अचार पापड़ के कस्टमर हैं।
हम लोग अलग अलग होटल्स में अलग अलग मॉल्स में दुकानों में जा सकते हैं। हाँ अम्मा, ये अच्छा आइडिया। मैं अभी चॉकलेट के सैंपल लेके जगह जगह जाता हूँ और जितना ऑर्डर मिल सके लेके आता हूँ। नहीं, सिर्फ आप नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे नहीं नहीं माधुरी, धूप में तुम कहाँ घूमोगी मेरे साथ? प्लीज, मैं आऊंगी आपके साथ, सिर्फ सुख में साथ देने के लिए मैंने शादी नहीं की है आपसे। चलिए तो जल्दी से निकलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ चलो चलो। दरवाजा लगा दिया। मेरी वजह से आए बाबा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, गहने तक गिरवी रख दिए। अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सखारा में पेट्रोल नहीं, हम लोग रिक्शा से ही जाते हैं। अरे पोपटलाल ने बताया कि वो चॉकलेट के ऑर्डर का कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे कैसे शर्मा इतने बड़े ऑर्डर की डिलीवरी लिए बगैर बाहर काम चला गया? सही बात है भाई। देखो ना जेठालाल, भी फोन करो तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ले तू बहुत भोला है भाई। अरे व्यापार धंधे में ऐसे फटाक से किसी पे विश्वास नहीं करते, पहले उसको देखना परखना चाहिए, उसके बाद ही उसके साथ व्यापार करना चाहिए। देखा था जेठालाल, तुम्हारे जैसा ही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा ही जेंटलमैन था। अच्छा, वो जाते वक्त 2 लाख रुपए एडवांस भी देके गए थे। हाँ। वो बिड़ो, एक और बार फोन लगा के ट्राई तो कर। अरे सोड़ी, मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा है, देखो कितनी बार ट्राई किया। देखो एक बार और करने, रुक, वाकई स्विच ऑफ है। सॉरी जटपरा। अरे भाई फोन को छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। भिड़े आगे क्या करना है वो सोचो। तो चिंता मत कर, हम सब मिलके तेरी सब चॉकलेट खरीद लेंगे, तुझे नुकसान नहीं होने देंगे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है जेठालाल का भाई, एक आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन सब मिलके तो खरीद सकते ना, खरीद लेंगे हम लोग। सही बात है, सब चॉकलेट खरीद लेते हैं, मैं पूरा साल चॉकलेट खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन 1000 boxes है, आप खरीद खरीद के कितने बॉक्सेस खरीदोगे और क्यों खरीदोगे? नहीं नहीं, हम लोग आपको तकलीफ नहीं दे सकते, और हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ही इसे बेच देंगे। पहले आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, आप लोगों के बहुत एहसान है हम पर। दिवाली के दिनों में हम लोग आपको और परेशान नहीं करना चाहते। हसबी भाभी, आपने क्या कहा एहसान? अरे ये शब्द बोल के तो आपने हमें पराया कर दिया। नहीं नहीं, नहीं। अरे अपनों में क्या एहसान और क्या मदद, ये गोकुल धाम है, यहाँ एक आदमी की खुशी सबकी खुशी और एक आदमी की मुसीबत सबकी मुसीबत होती है। बिल्कुल सही बात है। जनरल एक काम करो ना, सुंदर को फोन लगाओ ना। कौन सुंदर? अरे सुंदर तुम्हारा साला सुंदरलाल, वो बड़ा पड़ ये 1000 box बेच देगा। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तुमने ही तो एक बार कहा था ना कि सुंदरलाल इतना चैंपियन है कि वो हिमालय पर जाकर भी आइसक्रीम बेच के आ सकता है। पर वो अभी अहमदाबाद में है, अभी 1000 box कभी वहाँ भिजवाएंगे, कभी वो सब। नहीं नहीं बराबर है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे जितने भी अचार वाड़ के कस्टमर है ना, हम लोग उनके पास जाएंगे, उनको ये सैंपल्स देंगे, कहीं ना कहीं से हमें ऑर्डर मिल ही जाएगा। लेकिन भिड़े आज के आज इतने सारे बॉक्सेस बेचना थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? पोपटलाल भले ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को सिखाता हूँ ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो मैं भी इसी राह पे चलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे चॉकलेट्स बिक जाएं। चलो चल। भगवान करे भिड़े के सारे चॉकलेट के बॉक्सेस बिक जाए, अगर नहीं बिके तो पोपो वो नेगेटिव गल क्यों कर रहे हैं यार? अरे भाई मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर इसके सारे बॉक्सेस नहीं बिके तो इसकी दिवाली बिगड़ जाएगी, और अगर भिड़े दिवाली नहीं मनाएगा तो हमें भी दिवाली मनाने में मजा नहीं आएगा ना। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भिड़े की मदद करते हैं, अपने अपने जो भी जान पहचान वाले हैं सबको फोन करके हम ये चॉकलेट के बॉक्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आप एक बार चॉकलेट टेस्ट तो करके देखिए प्लीज। चॉकलेट तो बढ़िया है। है ना, होममेड है, प्योर चॉकलेट।
तो फिर कितना ऑर्डर लेंगे आप? आई एम सॉरी मगर आप थोड़ा लेट हो गए। आज दिवाली का दिन है, हमने सारा स्टॉक भर लिया है। हमारे 80% ग्राहक सारी चॉकलेट खरीद चुके। सर अब छोटा ऑर्डर लेंगे तो भी चलेगा? हाँ सॉरी मैम, आप देख ही सकती है पूरी शॉप चॉकलेट से भरी होगी। आप अगले साल मैं आपको पक्का ऑर्डर दे दूंगा। थैंक यू थैंक यू। परेश भाई बहुत बढ़िया चॉकलेट है, आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। हाँ मैं क्या कहता हूँ पप्पू भाई, आप भी खाइए और अपने सारे एम्प्लॉयज को भी खिलाइए। 200 बॉक्स ले लीजिए ना अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। ओहो 500 बॉक्स आपने अपनी कंपनी के लिए पहले ले लिए? ओ ठीक है 500 नहीं तो 250 ही ले लो। और ना जी ना, और बाबा जी की मेरा गैरेज बहुत बढ़िया चला है। मैंने अपना चॉकलेट का बिजनेस शुरू नहीं किया, वो अपना दोस्त है आत्मराम तुकाराम पिड़ू, उसकी बेटी है सोनू, उसने बनाई है ये चॉकलेट। ओ ये चॉकलेट आप मुंह में डालो ना, ओए होए होए होए, एकदम मुंह में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। क्या आपके खानदान में किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है? कमाल है। अरे शर्मा जी मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में चॉकलेट का बहुत महत्व होता है। चॉकलेट मिठास का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। उतना ही नहीं, चॉकलेट तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और ये तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, होममेड है। क्या ऑर्डर लिख लो अगले साल के लिए? नहीं रामनाथन, ये इसी साल के लिए है। अगले साल के लिए मैं अगले साल फोन करेगा। हाँ हाँ ओके ओके। दिवाली आप काफी लेट हो गए। हाँ लेट हो गए लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर लीजिए आप। हाँ मैं अभी आपका ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ। अरे अगले साल आइए, आपका ऑर्डर मैं पक्का लूंगा। अच्छा मतलब इस बार कोई चांस नहीं? नहीं मेरा सारा माल भरा हुआ है, देखिए ना आप। ठीक है थैंक यू। ठीक माधवी, इतने सारे दुकानों में जाके आए कहीं भी ऑर्डर नहीं मिला, और मिलेगा भी कैसे? दिवाली के दिनों में एन मोमेंट पे कौन ऑर्डर देगा? जाने दो अभी घर ही चलते हैं, किसी और दुकान में नहीं जाते हैं। सोनू को क्या बताएंगे? जो सच है वो बताना पड़ेगा ना। थोड़ी देर पहले इन बॉक्सेस को देखकर हम लोग कितने खुश थे, अब इन्हीं को देखकर टेंशन हो रहा है। ये सोनू कहाँ गई है? गई होगी टपोसना के साथ कहीं। अच्छा वो आने के बाद उसको जो भी हुआ है वो तुम बताना, मेरी हिम्मत नहीं होगी। मैं नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बता दीजिए। अरे लेकिन क्या हुआ भिड़े? फिर मतलब ऑर्डर मिला? नहीं ना ऑर्डर नहीं मिला, एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। पकड़ा है। हम सब ने भी बहुत कोशिश की पर एक भी ऑर्डर नहीं मिला, और अभी कोई ऑर्डर मिलेगा भी नहीं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। सारे दुकान वालों ने अपना स्टॉक पहले से भर लिया है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब सोनू को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सिर्फ सोनू के नहीं आप लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। सॉरी। उसमें क्या हुआ भिड़े बहन? आप दिल छोटा मत कीजिए, जो होगा ऐसा हो गया, भूल जाइए। हाँ मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है कि सोनू को इस बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। आई बाबा आई बाबा। आओ आओ सुनो, आओ। मुझे आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या? क्या हमें चॉकलेट्स का ऑर्डर मिल गया है? अरे वाह सोनू पुत्र, तू तो कमाल कर देता यार। गुस्सा बोल मुझे। हाँ मैं सच कह रही हूँ, हमें सारे बॉक्सेस के ऑर्डर मिल गए हैं, हजार के हजार पूरे। वाह क्या बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी लाई हो तू। सोनू बेटा वाह, हम सब बड़े जो नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया है। हाँ हाँ एक मिनट जेठा, लेकिन भाई ऑर्डर किसने लिया, कौन है वो? वो आप सब लोगों को पता चल जाएगा,
आज रात 8:30 बजे सोसाइटी में कोई आएगा और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएगा। क्या कौन खरीदेगा? हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर किसने लिया, कौन आएगा, कुछ बताओ भाई सुनो। बहुत बड़े आदमी हैं, वो आएंगे तो आप जान जाएंगे। लेकिन सुनो, इतना बड़ा ऑर्डर जिस आदमी ने लिया है उसके बारे में बता क्यों नहीं रही हो तुम? अरे बाबा, आप उनको जानते हो, आप उनको देखोगे तो फटाक से पहचान जाओगे। कौन है भिड़े मास्टर? हाथी अंकल, आप भी उनको जानते हो। अच्छा, कौन है हाथी भाई? एक मिनट बताता हूँ। सुनो बेटा, उस आदमी का नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है। सोनू बेटा, तू कितनी पहेलियां बुझा रही है, जरा बता देना कौन है वो। हाँ बोले सोनू। हाँ बोल बेबी। दया आंटी, उन्होंने बताने से मना किया है, पर वो 8:30 बजे आएंगे और सारी चॉकलेट्स खरीद के लेके जाएंगे। ठीक है, बताने से मना किया है नाम, लेकिन पक्का वो शाम को आएंगे ना? हाँ बाबा, मुझ पे भरोसा रखो। नहीं, तुम पे भरोसा है, लेकिन क्या है, पहला ऑर्डर लेके गुमनाम हो गया और दूसरा नाम बताने से मना कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तब ठीक हो जाएगा बाबा, 100% गारंटीड। भाभी सोनू मुत्ता, तू तो कमाल कर देता। ओ पिरो, और सोनू मुत्ता इतना कॉन्फिडेंस से कह रही है तो समझ ले तेरा सारा टेंशन गया। ओ यारो, ओ टेंशन छोड़ो, हम लोग तैयार हो जाते हैं, रात को 8:30 बजे कंपाउंड में मिलते हैं, जम के दिवाली मनाते हैं। सच में मैं इतना खुश हूँ सोनू कि ऐसा लग रहा है कि 500 किलो का भार सर से उतर गया। सच में मेरी बेटी बड़ी हो गई यार। ये विघ्नकर्ता, आज सब ठीक कर देना, मेरे ऑर्डर को पार करा देना, जो ऑर्डर लेने आने वाले हैं वो टाइम पे आ जाए, मेरे आई बाबा को और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, प्लीज। गणपति बाप्पा। हाय सोनू। हाय सोनू। सोनू सच में तूने लास्ट बॉल पे धोनी की तरह सिक्स मार दी। इतना बड़ा ऑर्डर लाई कहां से? टेन जीरो ने बताने से मना किया है, पढ़ो भारी, वो आएंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सोनू, वो आएंगे ना, पहली बार जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ गोगी, वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। लेकिन नहीं आए तो? अरे गोगी, तो ऐसा क्यों सोच रहा है यार, बी पॉजिटिव, रिलैक्स। हाँ सोनू, डोंट वरी, हम सबको तुझ पर पूरा विश्वास है, ये वो जो कोई भी है वो जरूर आएंगे। चलो चलो फ्रेंड्स, तो अभी रात को रेडी होके नीचे मिलते हैं और धमाकेदार दिवाली मनाते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही सिद्ध किया सोनू ने। सोनू ने अपनी लगन से और आप सभी के आशीर्वाद से सारी चॉकलेट्स भेज दी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतनी सारी चॉकलेट्स खरीदी किसने? बता दूं, कोई सुन तो नहीं रहा है ना, बता देता हूं, ये सारी चॉकलेट्स खरीदी है सुपरस्टार अजय देवगन जी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अजय देवगन ने खरीदी है सारी चॉकलेट। अब ये बात मुझे पता है कि उन्होंने खरीदी, और अब तो आपको भी पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन गोकुल धाम में किसी को पता नहीं है कि चॉकलेट अजय देवगन जी ने खरीदी है। अब चॉकलेट खरीदी है तो चॉकलेट लेने तो अजय देवगन जी आएंगे, तो आप सोचिए जब वो आएंगे तो अपनी नई फिल्म शिवाय के बारे में कितनी बातें करेंगे और साथ में किन किन कलाकारों को लेकर आएंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और गोकुल धाम निवासियों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आप देखना मत भूलिएगा, अजय देवगन जी आने वाले हैं यहाँ पे सोनू की चॉकलेट्स के लिए। और एक बात मित्रों, कल दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का पर्व है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनों के साथ दीपावली मनाएंगे खुशियों से, हमारी यही प्रार्थना है कि आप हर वर्ष इसी तरह खुशी से दीपावली मनाते रहें और हम आपको इसी तरह से शुभकामनाएं देते रहें। तो अब हम आपसे मिलेंगे सोमवार को ठीक इसी वक्त इसी चैनल पे, लेकिन मित्रों तब तक दीपावली की मिठाई आप भी खाइए, अपने मित्रों को भी खिलाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आती हूँ, एक मिनट। अरे डप्पू सेना,
सोनू क्या हुआ, वो चॉकलेट वाले अंकल आए नहीं अभी तक? आएंगे ना बाबा। एक काम करो ना, उनको जरा फोन लगाओ, पूछो कहाँ पहुँचे। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अरे कम से कम नंबर तो लेके रखना चाहिए था, अगर उनको एड्रेस नहीं मिला तो। नहीं बाबा, वो हमारी सोसाइटी को अच्छे से जानते हैं, उनको एड्रेस पता है। उन्हें एड्रेस पता है, तो अभी तो उनका नाम बताओ। बाबा मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बताने से मना किया है। वो आएंगे तो आप उनको पहचान जाओगे। हमारे नाम बताने से मना किया है, फोन नंबर नहीं दिया है सोनू। हाँ बाबा हम शॉप आएंगे, बस आते ही होंगे। अय्यर भाई भगवान करे नए साल में आप बहुत सारे रॉकेट बनाओ और एक साथ में बैठ के चांद पे पहुंच जाओ। लाला मैं चांद पर नहीं जा सकता। क्यों? जेड़ा लाल मैं एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। किस तरह का नट नहीं है? अरे नट नहीं, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। अच्छा अच्छा, तो ठीक है भगवान करे आप साइंटिस्ट है, लेकिन आने वाले साल में आप उस तरह नट भी बन जाए और चांद पर पहुंच जाए। जयरालाल तुम मेरे को चांद पर पहुंचाना क्यों चाहते हो? क्योंकि चांद पे जाने वाले का पूरी दुनिया में बहुत नाम होता है ना। जयरालाल मेरे को चांद पर जाने का जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का एक चांद है। सब लोग हमेशा खुश रहना और इसी तरह हंसते रहना और हर साल इसी तरह सबके साथ दिवाली मनाना है बापूजी। वैसे दिवाली त्योहार ही है खुशियों का, उजालों का और माँ लक्ष्मी का। मेरी तो यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में उजाले रहे, हम सबके जीवन में खुशियाँ रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। वो बहुत जरूरी है। ओ पप्पू, ओ तू तो अगले साल दिवाली मनाने नहीं आएगा? ओ मेरा मतलब है अगले साल ये अकेले नहीं आएगा, अपनी खूबसूरत मोटी के साथ भी आएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं है जी। अरे भाई सोड़ी, पता नहीं तुम कितने सालों से ये शुभकामना देते आ रहे हो, लेकिन आज तक सच नहीं हुई। तब होगी तुम्हारी शुभकामना सच। अरे अरे भगवान पे भरोसा रख डिब्बे, हाँ बच्चा होगा। भरोसा है चाचा जी, ऐसा नहीं है। ओपर भाई इस साल सबकी शुभकामनाएं पूरी होगी। अरे सुनो बेटे, 8:30 बज गए, वो जो चॉकलेट की डिलीवरी लेने आने वाले थे वो आए नहीं अभी तक। हाँ नहीं अंकल। तो कब आएंगे सोनू? हाँ एक बार आ जाए, डिलीवरी ले लेता क्या है, हम सब टेंशन फ्री होके फिर दिवाली मना सकते हैं ना। लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो वो आ नहीं रहा है, ऊपर से सोनू नहीं बता रही कि वो कौन है। सोनू बेटा सच में कोई आने वाला है ना? पापा को खुश करने के लिए तुमने ऐसे ही नहीं बोला है ना? अरे नहीं नहीं जेठा अंकल, वो बस अभी आते ही होंगे। हाँ जेठा भाई बोल रही है तो आते ही होंगे ना, अभी झूठ थोड़ी बोलेगी। हाँ सुना 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 मैंने सुना। सोनू बेटा बता भी तो किसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है बेटा। हाँ बता दस ना। हाँ सोनू बता दे यार। जी अंकल वो एक बहुत बड़े आदमी है। सोनू मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, वो जो भी है वो आएंगे ना? उन्होंने वादा किया है कि वो जरूर आएंगे, तो वो आएंगे। माते जी करे सही हो। पर कब आएंगे? पता ना, पूछने छोड़ो, आगे करना क्या है वो सोचो। माधवी भाभी एक काम कीजिए, आप ज्वेलर से थोड़ी मोहलत ले लीजिए और गहने बाद में छुड़वा लीजिए।
नहीं नहीं कुमार भाभी, ऐसा नहीं कर सकते। गहने इसी शर्त पर रखे थे गिरवी के, अगर आज पैसे लौटा नहीं सका तो गहने उसके हो जाएंगे। अरे अरे ये कैसी शर्त है भिड़े, ऐसा कहाँ होता है। हाँ सही बात है, और तुमने भी शर्त मान ली भिड़े मास्टर। हाँ। क्या करे हाथी भाई, मजबूरी थी, हमें पैसों की जरूरत थी। अरे भिड़े, पैसों की जरूरत थी तो गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत थी, हमको नहीं बता सकता था। बता कितने पैसे देने हैं। हाँ। 1.5 लाख रुपए। बोलो। पता नहीं कैसे लौटाऊंगा उसे पैसे। अरे भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलके उसको लौटा देंगे पैसे। आने दो उसे, हम पैसे दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के पास से पैसे ले लूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। बस सोनू ने जिससे ऑर्डर लिया है एक बार वो आ जाए। अरे पर वो जो भी है कहाँ भाई, नजर तो आ नहीं रहा, 9 बजने वाले। कहीं मोतीलाल ज्वेलर तो नहीं आ गया पैसे मांगने। ये दिवाली के दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे हो गोकुलधाम वासियों, लो आज फिर से आ गया मैं तुम लोगों से मिलने। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजय देवगन जी आप यहाँ आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में हमें याद रख के आए, अचानक कैसे। अरे वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय बेटा तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली अजय भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे क्या बात है, आज आप लोगों में वो जोश नहीं दिख रहा है। छोटी पाजी आज आपने मुझे उठाया भी नहीं, आप लोगों का मूड कुछ ठीक नहीं है क्या। हाँ अजय भाई, वो दरअसल चॉकलेट का बॉक्स की डिलीवरी लेने एक भाई साहब आने वाले थे। जेठालाल भाई आप चॉकलेट भी बेचते हो। नहीं नहीं मैं नहीं, ये तो हमारे एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की बेटी है सोनू, उसने शौकिया तौर पे चॉकलेट बनाई तो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 1000 बॉक्स का, उसकी डिलीवरी लेने कोई आने वाला था। दरअसल हम कब से उसी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। बाबा वो ऑलरेडी आ गए हैं। कहाँ आ गए। यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। मतलब जो चॉकलेट्स तुमने बनाई थी, तुम बोले कि वो आने वाले कोई खरीदने के लिए रात को। बहुत बड़े इंसान है, हम सब उन्हें जानते हैं, उन्होंने नाम बताने से मना किया है, वो और कोई नहीं फिल्म स्टार अजय देवगन है। हाँ। भाई माझा तो विश्वास बसत नहीं। अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। बाबा शर्मा अंकल ऑर्डर लेने नहीं आए, और जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इतनी सारी चॉकलेट्स काम करेंगे क्या। फिर मुझे याद आया कि मैंने नेट पे पढ़ा था कि अजय सर अपनी फिल्म शिवाय की पार्टी और प्रमोशन करने वाले हैं, तो मुझे लगा इनको मिठाई या चॉकलेट्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं इनको मिलने चली गई। देखो आई एम वेरी सॉरी बट तुम अजय सर से नहीं मिल सकती, ही इज वेरी बिजी, उनकी मूवी शिवाय रिलीज होने वाली है और फिल्म का सारा प्लानिंग हो रहा है, तुम प्लीज बाद में आना। बट मैम मैं जानती हूँ उनको, बस सिर्फ 5 मिनट। सो उन्हें तो सब जानते हैं, ही इज अ वेरी बिग स्टार। बट मैम वो भी मुझे जानते हैं, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में 3-4 बार आ चुके हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि गोकुलधाम सोसाइटी से सोनू आई है। I'm really very sorry, you cannot meet him, he is very busy. अच्छा ठीक है, एक मिनट। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप सिर्फ उनको ये चॉकलेट दे दीजिए और उनको बोलिए कि बस एक चॉकलेट टेस्ट कर ले। अरे लेकिन प्लीज 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 मना मत कीजिए, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए, और अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं आए तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये चॉकलेट का बॉक्स आपके लिए किसी ने भिजवाया है। चॉकलेट?
माइंड ब्लोइंग चॉकलेट है। किसने भेजी है? सर एक बच्ची अपना नाम सोनू बता रही है, शायद गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज़ यू आर वेरी बिजी ना। गोकुलधाम से आई है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। चली गई? शी इज वेटिंग आउट। जल्दी भेजो अंकल। अरे आओ सोनू बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बैठो 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 बैठो। सब कैसे गोकुलधाम में? सब परफेक्ट मस्त। बिल्कुल तुम्हारे चॉकलेट की तरह। मुंह में डालते ही पिघल गई। कहाँ से लाई हो? इम्पोर्टेड है? नहीं नहीं, ये चॉकलेट एक्चुअली मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। रियली? या। इतनी अच्छी है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ सोनू, इस दिवाली पर मैं सबको यही चॉकलेट्स बांटता हूँ, अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने यूनिट को, अपने प्रेस को। तो पराग हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे? 1200। ठीक है, तुम 1200 बॉक्सेस भेज दो। सर मेरे पास 1000 चॉकलेट के बॉक्सेस रेडी है, उतने चलेंगे क्या? या विल मैनेज। ठीक है तो 1000 बॉक्सेस दे। आई एम सो ग्लैड सोनू तुम मुझे मिल गई। इस दिवाली पे मैं सबको कुछ अलग और कुछ अच्छा देना चाहता था और तुमने ये चॉकलेट्स लाके दे दिए, मेरा तो काम हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपको पता भी नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। बचा लिया कैसे? वो सर मैंने ना दिवाली में बस यूं ही चॉकलेट्स बनाई थी। मैं आपके पास ऑर्डर लेने ही आई थी और आपने मुझे ऑर्डर दे दिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सो बाय द वे मुझे ये आपको कहाँ पे भेजनी है? आपका कोई एड्रेस या कुछ? नहीं सोनू बेटा, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी आऊंगा, सबसे मिलूंगा और ये चॉकलेट्स लूंगा। We are so proud of you. बेटे जी, आपकी बेटी में सिर्फ हुनर ही नहीं है, बहुत समझदार भी है। Thank you अजय जी, thank you very much. आपने बहुत ही मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। thank you so much. अरे बेटे जी, आपकी चॉकलेट खरीद कर मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया, ना ही आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो सबको मिठाई बांटने वाला था, सोनू मिल गई, इसके चॉकलेट स्ट्राइक ही इतने अच्छे थे, लगता है मेरी किस्मत में लिखे थे। सही बात है। और आप अपने गहनों की भी बिल्कुल चिंता मत करना। सच में अजय भाई, आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय जी, वैसे तो मैं शिक्षक हूँ लेकिन आज मेरी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटे जी, शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बेटी का करो। मैंने तो सिर्फ चॉकलेट्स खरीदे। और कौन कहता है कि लड़कियां पराया धन होती है, दूसरों की अमानत होती है। बेटी चाहे पति के घर हो या पिता के, वो उस घर की लक्ष्मी होती है। वाह वाह अजय जी, क्या बात कही आपने। जितना बड़ा काम किया उससे बड़ी बात कही। मेरी पहली कमाई। अरे भिड़े, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी है भाई। शौक के लिए एक काम किया था लेकिन क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला, और इतने बड़े स्टार के साथ शुरू किया बिजनेस है। ओ पिड़ू, ओ इस बात पे तो पार्टी शार्टी बनती है। नॉर्मल वाली पार्टी है। लेकिन ये बिजनेस मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब मैं टपू सेना के साथ जाकर गरीब और जरूरतमंद में बांट दूंगी, ताकि जो दिवाली नहीं मना सकते उनके घर में भी खुशियां आए। क्या बात है। शाबाश बड़ा। I'm so proud of you सोनू। Thank you बाबा। वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू बेटा, वाह। बेटे, मुलगी सिकली प्रगति झाली। अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े आणि माधवी बापींची एकमेव मुलगी सोनू यांचा। हैप्पी दिवाली। मित्रों, आपने अपने परिवार के साथ दिवाली धूमधाम से मनाई होगी और अभी तक दिवाली की खुशियां मना रहे होंगे, यही उम्मीद है। और यहाँ गोकुलधाम में दिवाली ढेर सारी खुशियां लेके आई है, और खुशियों के वाहक रहे श्री अजय देवगन। उन्होंने हमारी झोली में खुशियां भर दी, खासतौर पे भिड़े परिवार के लिए और सोनू के लिए।
भाई मेरे परिवार को खुशी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि अजय देवगन जी ने चॉकलेट्स खरीद ली, भाई बहुत बड़ी बात है इतने बड़े स्टार चॉकलेट्स भी खरीद ली, गहने भी छुड़ा लिए और दे दी ढेर सारी खुशियां इस दिवाली रात। और मित्रों अभी तो यहाँ गोकुल धाम में दिवाली मनाई जा रही है, अजय देवगन यही है, तो सोचिए अजय देवगन गोकुल धाम निवासियों के साथ किस तरह से दिवाली और मनाते हैं और उनकी झोली में और कितने सरप्राइजेस हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और हाँ मित्रों आज से विक्रम संवत 2073 का शुभारंभ हो चुका है यानी कि नव वर्ष, तो नव वर्ष के शुभारंभ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हम कलाकारों की ओर से, यूनिट के सभी कर्मियों की ओर से, निर्देशकों की ओर से, लेखकों की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खूब खूब तरक्की लाए, हंसी लाए, खुशी लाए और सबसे बड़ी चीज आप हंसते हंसाते यूं ही देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। वेल डन सोनू, वेल डन। जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं ना वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अजय बेटा इसका श्रेय तुम्हें भी जाता है। हाँ अजय जी आपने तो कमाल कर दिया, ये दिवाली हम गोकुल धाम निवासियों को हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल 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 मुझे भी हमेशा याद रहेगी। मैं जरा आरती करके आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। नमस्ते अजय भाई, ये कौन है? अरे भाई इन्होंने अजय जी की फिल्म शिवाय में इनकी बेटी का रोल किया है। अच्छा भाई बिल्कुल सही कहा, शिवाय में ये मेरी बेटी है और शिवाय भी एक बाप बेटी की कहानी है। ऐसे कहूँ तो एक बाप बेटी का रिश्ता और बाप बेटी की लव स्टोरी है। हेलो बेटा। हेलो पापा थैंकू, हाउ आर यू? क्या बात है भाई। ओ पप्पू, ओ अजय देवगन जी जैसे वर्ल्ड फेमस है, तू भी अभी वर्ल्ड फेमस हो गया भाई। और देश ही नहीं विदेश में भी तेरे को सब जानते हैं। हाँ वो तूफान एक्सप्रेस की वजह से। यस सर अंकल। वो ऐसे मेनू भी जानती है। हाय तपसेना। और इसे इंडियन कल्चर भी देखना था, दिवाली मनानी थी, तो मैंने सोचा कि सबसे अच्छी दिवाली तो यही मनाई जाती है तो यही ले आता हूँ। अजय भाई हमारी तो इच्छा है कि आप हर साल दिवाली हमारे यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में ही मनाएं। अरे दया भाभी सिर्फ दिवाली क्यों? अजय जी हम तो चाहते हैं कि साल में जितने त्योहार आते हैं वो सारे त्योहार आप हमारे साथ गोकुल धाम में मनाए। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आप हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में फ्लैट खरीद लीजिए। सही बात है, आइडिया बुरा नहीं है। और फिर मजा आएगा, काजल भाभी भी यहाँ पर आएंगे, हम सब लोग मिलकर गरबा करेंगे। अगली बार गरबा में उसको भी लेके आऊंगा। अरे फिर तो अजय भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में पत्रकार है, लेखक है, डॉक्टर है, मैं साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, तो फिर एक सुपरस्टार भी आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेंगी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, साउथ इंडियन, पारसी, मतलब बहुत मजा आएगा यहाँ पे आपको। और फिर अब्दुल भाई की सोडा शॉप में सोडा पीते हुए जबरदस्त धमाल, मस्ती और हंसी भी फ्री मिलेगी जी। आप लोगों की बातें सुन के सोच रहा हूँ खरीद लूं, लेकिन ऐसे नहीं, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा। अजय भाई आज आप कमाल कर रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। अरे यही नहीं मेहता साहब, इनकी फिल्म में भी सरप्राइज पे सरप्राइज है। हाँ सर, शिवाय में तो एक से एक एक्शन है। और सर सच कहूँ तो मैं आपके एक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। सर मैं तो आपको एक्शन देवगा नहीं बुलाता हूँ। टप्पू सेना, अजय जी की फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक्शन के साथ इमोशंस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल कैसी कैसी फिल्में आ रही है, लेकिन आपकी फिल्म तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। सही बात है। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को बस पसंद आए। अरे आएगी, जरूर आएगी अजय भाई, आपकी हर पिक्चर लोगों को पसंद आती ही है। और देखना ये भी पसंद आएगी और ये भी हिट हो जाएगी। अरे हिट नहीं जेठालाल, सुपर हिट होगी। क्योंकि इसमें एक नहीं अजय जी ने दो दो काम किए। डबल काम मतलब आपने डबल रोल किए।
अरे यार भाई नहीं, डबल रोल मतलब इन्होंने फिल्म में एक्टिंग भी की है और फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। अरे फिर तो ये फिल्म हम सब जरूर देखेंगे। प्लीज। वैसे फिल्म की हीरोइन भी बहुत सुंदर है। अरे पोपटलाल मैं क्या कहता हूँ, अजय भाई ये तो लगे पूछ लो ना, हीरोइन अगर कुंवारी हो तो बात चला है। पोपटलाल अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं लगभग ऐसे सब रेडी है, सिर्फ एक लड़की मिल जाए। लड़की नहीं मिल रही है। अजय भाई कुछ कीजिए, देखिए अगर इस बार इसे शादी नहीं हुई ना तो मुझे लगता है सातु बन का हिमालय में चला जाएगा। और अजय भाई आपने तो ये पिक्चर की शूटिंग हिमालय में भी की है ना? हाँ तो वहाँ भी देखिए कोई जान पहचान हो, कोई पहाड़ी लड़की भी होगी तो चलेगी नहीं पोपटलाल? बस बस जेठालाल बस भाई। अजय जी हम लोगों को मिलने आए, हमारी ऐसे बातें सुनने नहीं भाई, चलो चलो सब मिलकर जल्दी दिवाली मनाते हैं। अजय देवगन मतलब क्या करो, पता ही नहीं था अजय देवगन जी आएंगे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे। मस्त तो दिन था आज का एकदम, ये दिवाली हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर पिछले तीन दिन तो ऐसे लग रहे थे जैसे मेले में वो झूला होता है ना जायंट व्हील, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ मैंने चॉकलेट क्या बनाई इतनी बड़ी कहानी बन गई। थैंक यू बाबा, आज मुझे पता चल गया कि आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो। आज पता चला मतलब, मैं आज तक शंका थी। अरे नहीं नहीं शक नहीं है, आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। आई बाबा आई लव यू सो मच, थैंक यू। अरे सोनू बड़ा थैंक यू क्या कह रही है तू, तू ही हमारा असली गहना है। हेलो शर्मा जी, अरे कहाँ हैं आप, मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया आपको, आपको नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे हमारी क्या हालत होगी पता है आपको? भिड़े जी मैं मिसेस मोना शर्मा बोल रही हूँ। ओह अच्छा मिसेस शर्मा, बोलिए मिसेस शर्मा जी। एक्चुअली हम लोग इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका? हाँ सॉरी भिड़े जी, वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हमारी जो बेटी यहाँ अमेरिका में रहती है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी इसलिए हमें अर्जेंट में जाना पड़ा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसी है आपकी बेटी की तबीयत? अब सब ठीक है और हम जैसे ही इंडिया आएंगे हम अपना ऑर्डर ले लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। I promise, हम आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नहीं नहीं मिसेस शर्मा जी आप ऑर्डर की फिक्र मत कीजिए, ऑर्डर किसी और ने ले लिया है, आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए उसके साथ रहिए। पर हाँ जब भी आप इंडिया आए तो मुझे फोन कीजिएगा, आपने जो एडवांस दिया मैं आपको वापस लौटा दूंगा। एक बात कहूँ भिड़े जी, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। मिसेस शर्मा जी देखिए मैं भी एक बेटी का बाप हूँ तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच भिड़े जी। Happy Diwali to you and your family. हाँ, आप सबको भी Happy Diwali. माधवी जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है, नहीं कभी भी मुसीबत आ सकती है, लेकिन अपनों का साथ और परिवार का प्यार ही हमें मुसीबत के पार ले जाता है। करेक्ट, जैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमारा एक परिवार है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तारक देखिए ना वक्त भी टेक्नोलॉजी जैसा हो गया है। मतलब ये कि एक के बाद एक रोज नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वैसे ही अपने भारत में एक के बाद एक नए नए त्योहार आते हैं, गणेश उत्सव नवरात्रि दशहरा और अब तो दिवाली भी हो गई। ये तो है, वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिवाली भी हो गई, कल नया साल आ जाएगा, फिर भाई दूज, एक के बाद एक। वैसे तारा ये नया साल पूरे भारत में नहीं मनाते ना? हाँ अब भारत तो विभिन्न संस्कृतियों का देश है ना अंजलि, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तारीखों को नया साल मनाया जाता है। हमारे पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से लोग 31 दिसंबर की रात को नया साल मनाते हैं और कई जगह तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने की पहली तारीख को नया साल मनाया जाता है, कई जगह 14 अप्रैल को नया साल मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है भारत इतने रंगों का देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम भी दिए गए नए साल। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, हमारे सिंधी भाई उसको चेटीचंड कहते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से उगाड़ी कहा जाता है और पंजाब में बैसाखी। एग्जैक्ट, हमारे गुजरात में भी तो कार्तिक महीने की पहली तारीख को नया साल नूतन वर्षाभिनंदन।
नूतन वर्षना अभिनंदन। बिल्कुल, और आप ये देखिए विक्रम संवत 2073 की शुरुआत, पहला दिन क्या खुशियाँ होंगी गोकुलधाम में। हाँ तारक, हम भी कल सुबह जल्दी उठ के जल्दी तैयार होके नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, हर आज भी जल्दी उठेगा। मुझे सिर्फ मेरे दोस्त जेठालाल की चिंता है, उसके लिए जल्दी उठना मतलब रेलगाड़ी से चांद पे जाना जितना मुश्किल है। तारक आप चिंता मत कीजिए, नए साल के दिन जेठा भाई भी जल्दी उठ जाएंगे। बंद हो गया। तुझे कैसे पता चला माँ का फोन था? वो क्या है कि वो गीत है ना, अरे माँ का बहुत पसंद है। तो अभी सासू माँ गा रही थी? तो क्या है कि माँ को ये गाना बहुत ही पसंद है ना, तो मैंने टप्पू को बोल के आपके फोन में माँ के नंबर पे ये गाना फिट करा दिया। बोलो, सासू माँ को डॉन का गाना पसंद है? हो गई ना, तो खुद भी एक प्रकार की डॉन। हाय साल मुबारक, नूतन वर्ष अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। हां मां पाई लागू पाई लागू। ओहो हो मां, ये नए साल के पहले दिन तुम्हारे मीठे मधुर आवाज में आशीर्वाद मिल गए। वाह, अब तो मेरा पूरा साल एकदम मीठा मधुर जाएगा। वाह थैंक यू। धीरे। हाँ माँ, 10 रुपए का चकचकी सिक्का उठ गए हैं। 10 रुपए का सिक्का, ये क्या नाम हुआ? बराबर है ना, 10 रुपए का सिक्का भी गोल मेटल ही होता है ना। देती हूँ उनको। उनको बोल मैं बाद में फोन करूंगा शांति से, ना के चकचकी तो के। अरे हाँ, आप फिर से बाद में फोन कर लेना, लेकिन अभी जरा 2 मिनट। हेलो, नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक, पाई लागू। ओके ससुमा, बाद में शांति से फोन करता हूँ। हाँ कह देती हूँ। टप्पू के पापा, माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि ये नए साल में आपको पैसे, सुख, समृद्धि और बुद्धि बढ़े। पैसा, सुख, समृद्धि तो बराबर है, बुद्धि बढ़े? वो क्या है कि टप्पू के पापा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बड़ी लोगों को बच्चों की बुद्धि कम ही लगती है। टप्पू के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद के लिए थैंक यू बोला है। अरे हाँ, और बताओ, सुंदर हीरा कैसा है, क्या कर रहा है? वो सो रहा है। नहीं, माँ सोने दो उसे, सोने दो। माँ क्या है कि ये नए साल के पहले दिन सुंदर हीरा की नींद बिगड़ जाएगी ना, तो पूरे साल उसकी नींद बिगड़ती रहेगी। सुंदर की नींद, मेरी नींद कुछ नहीं। कुछ नहीं भाई। साल मुबारक। और माँ बोलो, कोल में सब लोग कैसे हैं? सबको मेरी तरफ से नूतन वर्ष अभिनंदन कहना। पोची भाई, भोदी भाई, राकेश भाई, जयवल भाई, भूषण भाई, चकू बहन, चकू मासी, सबको। मैं भी फोन रखती हूँ। अरे ये क्या, टप्पू के पापा अब फिर से सो गए? चलिए उठ के, चलिए उठ जाइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कि नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं ना, तो गणपति बाप्पा, श्री सरस्वती माँ, श्री लक्ष्मी माँ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। अब तो भाई नए साल के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग ही रहा था ना, तो उसमें मुझे गणपति बापा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सासू माँ, सबके आशीर्वाद मिल ही गए ना। अभी सोने दे। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना, ऐसा क्या करते, उठ जाइए। टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन आप बापूजी की डांट खाएंगे ना, तो आपको पूरे साल बापूजी की डांट ही खानी पड़ेगी। तो बराबर है ना? तो अब आप जाग गए? हाँ जाग गया भाई, जाग गया। तो टप्पू के पापा आप जल्दी से नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। चलो शाबाश शाबाश, मैं तैयार हूँ।
टप्पू के पापा, अहो आप तो राजवी परिवार के महाराज लग रहे हैं। अच्छा मतलब महाराज मतलब किस टाइप का महाराज? पूजा पाठ करने वाला क्या, रसोई बनाने वाला? अरे महाराज मतलब महाराजा। ओहो आप एक काम कीजिए, आप वापस जाइए। जाइए तो सही टप्पू के पापा, जाइए ना, मैं बुलाऊं तभी आना। हाँ वहीं पर ही देना। टप्पू के पापा साल मुबारक। अरे साल मुबारक दया, साल मुबारक, साल मुबारक। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुझे भी दया, तुझे भी नूतन वर्ष अभिनंदन। नूतन वर्ष अभिनंदन। मुंह मीठा कीजिए। भगवान करे तू इसी तरह हंसती खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। थोड़ी और गा। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। नया वर्ष हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आता है और खुशियां जीवन में बनी भी रहनी चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार हम नव वर्ष साल में दो बार मनाते हैं, एक बार दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध एकम को और दूसरी बार चैत्र शुद्ध एकम यानी कि गुड़ी पौड़ा। नए वर्ष पे हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जीवन में खुशी की कामना करते हैं और यही जीवन में होना भी चाहिए। भारत त्योहारों का देश है, चाहे नया वर्ष हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हम सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। यही हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी विशेषता है। नया वर्ष आ चुका है, ये नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, उल्लास लाए, उमंग लाए, आनंद लाए। आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, दुख ना हो। आपके जीवन में आप स्वच्छता को अपनाएं, इस देश को आगे बढ़ाएं और जीवन में जितनी भी खुशियां हैं वो प्राप्त कर सकें, यही शुभकामना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से। और हम आपको यूं ही हंसाते रहे, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।